गए थे। एक वर्ष की छोटी सी अवधि में प्रदेश की काया पलट कर दी इस कुशल राजनेता ने। उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ने लगा। गरीब हों या अमीर, अग्रे हों या पिछड़े, दलित हों या किसान, विद्यार्थी हों या शिक्षक, अधिकारी हों या व्यापारी, हिंदू हों या मुसलमान, या वो कोई आम आदमी, श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व की ऊर्जा तरंगों ने सभी को प्रभावित किया। विकास यात्राएं आगे बढ़ी और फिर तो मानो सफलताओं की झड़ी लग गई। किसानों के लिए फॉस्फेट और पोटाश खाद पर 4% व्यापार कर समाप्त। आलू भंडारण की दर 82 रुपए क्विंटल से घटाकर 64 रुपए क्विंटल। किसानों के लिए पंजाब की तरह सुविधा पैकेज। सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाए जाने का निर्णय। 47.49 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन तथा 5.68 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद। सिंचाई हेतु 27,685 किलोमीटर नहरों की सफाई। लघु व सीमांत कृषकों को निःशुल्क 76,024 बोरिंग का लाभ। ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपए तक की विकास योजनाओं को अपने हिस्से पर स्वीकृत करने का अधिकार। शैक्षिक सत्र का नियमितकरण। शिक्षकों की सामूहिक बीमा राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी। सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम। पिछड़ों में अति पिछड़ों और दलितों में अति दलितों के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय। परिणाम स्वरूप अब अति पिछड़ों और अति दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। औद्योगिक विकास एवं व्यापार को बढ़ावा। महाकुंभ मेले का सफल आयोजन। उत्तर प्रदेश के सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े। विद्युत व्यवस्था में सुधार। नई आबकारी नीति। ऊंची पहुंच और रुतबे वाले अपराधी भी सीखों के पीछे। पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन। असंगठित दुर्घटना बीमा योजना। गांवों में रात्रि विश्राम और भी बहुत कुछ। श्री राजनाथ सिंह ने अल्पकाल में ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ज्योत जला दी। केंद्र में राष्ट्र पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को, प्रदेश में कर्मयोगी श्री राजनाथ सिंह भाजपा को निश्चित ही अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न और विशिष्ट बनाते हैं। विकास के इस दौर में एक नाम सितारों की तरह चमका और वो नाम है प्रोफेसर रविंद्र सिंधी, विधायक सर्वनाम मेरठ। भ्रष्ट राजनीति के दलदल में ईमानदारी का कमल। सहज सादी और सरल जीवन शैली तो ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा। साथियों ने लोकप्रिय, क्या गरीब क्या अमीर, क्या अग्रे क्या पिछड़े, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी इन्हें एक अच्छे मददगार के रूप में जानते हैं। सभी ईमानदारी वाली होंगी। काम जितना विधायक जी ने कराया शायद ही कोई ऐसा विधायक हो आज तक में जैसा इन्होंने विधायक जी ने कराया है, कराया जितना था। और यहाँ गाँव का कोई भी मसला हो विधायक जी के पास जाए तो एकदम तैयार 24 घंटे हर आदमी के लिए उनकी खुला दरवाजे कोई भी आओ। हमारे जो पूरी उत्तर प्रदेश में रविंद्र कुंडी एक ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो कि मुस्लिम पूरे सर्वानंद विधानसभा से जुड़ा है और एक एक मुस्लिम वोट उनको मिलती है सर्वानंद विधानसभा पूरी यूपी में। कहीं भी मुस्लिम इतना नहीं मिलता होगा जितना यहाँ पे विधायक रविंद्र कुंडी को वोट मिलता है मुस्लिम। राजनीति में मर्यादा और नैतिकता के कट्टर समर्थक प्रोफेसर चंदीप ने लगन दृढ़ता और लक्ष्य का लगातार पीछा करने के गुण बचपन से ही हैं। राजनीति को जन सेवा का माध्यम मानने वाले प्रोफेसर चंदीप लगातार 2 बार विधायक बनने के बावजूद आज भी किराए के मकान में रहते हैं। जन सेवक प्रोफेसर रविंद्र कुंडीर की दिनचर्या सुबह सवेरे ही लोगों के मिलने जुलने से शुरू हो जाती है। घर हो या बाहर प्रोफेसर कुंडीर हर जगह लोगों की समस्याओं का समाधान करते मिल जाते हैं। घर के बाद प्रोफेसर कुंडीर निकल पड़ते हैं अपनी कर्मभूमि सरघना में। भोर सवेरे शुरू हुआ मिलने मिलाने और लोगों की समस्याएं दूर करने का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। सरघना में विकास कार्य हो या विधानसभा में आम आदमी की आवाज, गांव हो या शहर, घनी आबादी वाली जगह हो या थोड़े से लोगों की बस्ती, विकास पुरुष प्रोफेसर रविंद्र सिंधीर ने विकास की किरणें हर जगह पहुंचाई। जीडी रोड से कृष्णा नगर मेरठ संपर्क मार्ग, मैथना से देदबा संपर्क मार्ग, दौराला से मवाना तक 20 किलोमीटर लंबा राजवाहा रोड,
5,19,00,000 की लागत से 23 किलोमीटर लंबे सरघना दौराला मसूरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण, 2 किलोमीटर लंबा टांडा दादरी मार्ग, 2 किलोमीटर लंबी सराबा माड़ी से दौलतपुर रजवाही की पटरी और पाली बाईपास में खड़ंजा, इसके अलावा मेरठ करनाल मार्ग की स्टेट हाईवे में तब्दीली, 80,00,000 की लागत से फिरवा जलालपुर सरघना मार्ग, 10 किलोमीटर लंबा सरघना उत्तरी बाड़न मार्ग, 10 किलोमीटर लंबा सातीपुर से बेधवा मार्ग, प्रोफेसर कुलदीप की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। प्रोफेसर कुलदीप ने सरघना ब्लॉक को उत्तर प्रदेश सरकार की जांच योजना में शामिल करवाया, जिसमें 9 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण होगा। 300 किलोमीटर से लगभग पक्की सड़कों का निर्माण, प्रत्येक गांव पक्की सड़कों और खड़ंजों को एक दूसरे से जोड़ा, साथ ही मुरादनगर सरघना खपाली मार्ग के चौड़ीकरण द्वारा सरघना को सीधे दिल्ली से जोड़ना। सचमुच जो काम दूसरे विधायक 40 साल में न कर सके, उससे ज्यादा प्रोफेसर कुलदीप ने बहुत कम समय में कर दिखाया है। विधायक जी ने तो हमारे यहाँ उनके हर तरह का सहयोग दिया। हमारे एक दिन मेरा स्कूल है प्राइमरी है, उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने उसकी बाउंड्री वॉल भी कराई और जूनियर हाई स्कूल भी उन्हीं के माध्यम से मिला और सड़कों का विकास जो कि हमारे तरफ तरफ सड़क बनी है वो सब विधायक जी की देन है और इस क्षेत्र के हमारी आज से पहले से भी जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि 50 साल 53 साल जब से देश आजाद हुआ ये पहले विधायक हैं जिन्होंने अपना काम किया। बहुत बढ़िया छवि है, ईमानदार आदमी है, बहुत खुश आदमी है, काम करने वाला आदमी है, उन्होंने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। जो हमारे यहाँ किसी भी आंदोलन में तक काम नहीं किए वो रविंद्र कुंडू जी ने किए हैं। आजादी के बाद से ही सरघना विधानसभा उन्हीं की राजनीति का शिकार थी, लेकिन विकास पुरुष प्रोफेसर कुंडीर ने 2-2 करोड़ की लागत से बेधवा पुल, जलालपुर का पुल, मंगली आजल का पुल और कडली मंडवाड़ी में पुल बनवाकर पुलिंग की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। साथ ही सकौती टांडा रेलवे फाटक पर हमेशा लगे रहने वाले जाम को दूर करने हेतु 9 करोड़ की लागत से सकौती ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी जोरों पर चल रहा है। हमारे गांव में जो है बहुत बड़ी दिक्कत थी, पैदल भी नहीं चला जाता था, लोगों को गंदा पानी आता था तो बहुत परेशानी होती थी। विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की, विधायक जी ने पुल बनवाया हमारा, जिससे हमें हमारे गाड़ी बग्घी ट्रैक्टर सब वाहन आते जाते सारी दिक्कत समाप्त होगी। सरघना को कटौती मुक्त बिजली देने हेतु मटौर में 770 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड का निर्माण, महलका में 250 किलो वोल्ट का बिजली घर, भमौरी में 1.5 करोड़ की लागत से बिजली घर का निर्माण, सकौती और सरघना बिजली घर की क्षमता बढ़ाने जैसे जरूरी काम हुए। प्रोफेसर सिंदीर के प्रयास से हर गांव में बिजली पहुंची, ट्रांसफार्मरों और जर्जर तारों को बदला गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भी प्रोफेसर रविंद्र कुंडीर का विशेष ध्यान रहा। दौराला में 32 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरघना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 15,00,000 की लागत से नाबड़ में PHC तथा कपसार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ। और यहाँ पे जो इसके काम कराया आज तक किसी पार्टी ने नहीं कराया, जो बात BJP की सरकार ने कराई और हमारे क्षेत्र विधायक ने कराया। मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते प्रोफेसर रविंद्र कुंडू शिक्षा के महत्व को भली भांति जानते हैं, इसलिए शिक्षा पर इनका विशेष ध्यान रहा। 600 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, 15 करोड़ की लागत से दौराला में मंडला पॉलिटेक्निक का निर्माण हुआ, धनजू में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल, मैथना में जूनियर हाई स्कूल, बेदवा में जूनियर हाई स्कूल, पीरपुर में जूनियर हाई स्कूल, दादरी में इंटर कॉलेज और भमौरी के जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील कराने का सारा श्रेय प्रोफेसर कुलदीप को ही जाता है। साथ ही मंगला आदर में जूनियर हाई स्कूल के निर्माण के साथ ही प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय, 65 जूनियर हाई स्कूल, 25 हाई स्कूल और 4 इंटर कॉलेजों का निर्माण हुआ। हमारे कुलदीप साहब का जो है शुरू से ही जो है बहुत ज्यादा योगदान रहा है और कक्षा 10वीं और कक्षा 12 की मान्यता भी जो है कुलदीप जी के द्वारा ही मिली गई है। गांव की माटी से जुड़े प्रोफेसर कुलदीप का किसान की ओर विशेष ध्यान रहा। सिंचाई के लिए सभी रजवाहे साफ कराए गए और नहरों में वर्ष भर पानी रहा। किसानों को सही समय पर भुगतान करवाने और उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु प्रोफेसर कुलदीप
समय समय पर चीनी मिलों का अचानक दौरा करते रहते हैं। किसानों के लिए बहुत कुछ लाभ हुई है, पेमेंट की स्थिति बहुत खराब थी, नहीं है सुधर गई। दो सेंटर दिलवाए, सेंटर लगे हुए हैं और जो भी कोई दिक्कत बनने की होती है उसे विधायक जी हमारे से लगवा देते हैं। किसानों की फसल का उचित दाम दिलवाने के लिए फैक्ट्रियों पर लगातार दबाव बनाते हैं ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके और किसानों के लिए 24 घंटे सेवा करते रहते हैं। शहरों और गांवों में पीने के पानी की समुचित आपूर्ति के लिए सलावा गांव में 750 किलो लीटर पानी की टंकी, 2 करोड़ की लागत से दौराला में पानी की टंकी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 941 हैंडपंप लगाए गए हैं। जल निकासी और सफाई हेतु दबथबा गांव में जल निकासी नाले सहित 21 नाले बनवाए, 20 नालों की खुदाई तथा पल्लवपुरम मोदीपुरम में नाले का निर्माण हुआ। सरघना में गेस्ट हाउस तथा पर्यटक गेस्ट हाउस, स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु 60 दुकानों की मार्केट का निर्माण, 2.5 करोड़ की लागत से तहसील भवन का निर्माण तथा सरघना में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की गई है। रविंद्र पंडित जी जो हैं, इन्होंने इस कोर्ट को एस्टेब्लिश कराने में अपना एडी से चोटी तक का जो है जोर लगा है, पूरा योगदान दिया है। यहाँ से और लखनऊ तक और हाईकोर्ट में इलाहाबाद तक जो भी मुंसिफ कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हुई उस सबको पूर्ण कराने में इन्होंने पूरा जो है अपना योगदान दिया है। इसमें इनका उद्देश्य यह है कि यहाँ जो मंडी परिषद के सहयोग से ये दुकान बन जाए जिससे कि विधानसभा सरगना क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले और नगर का जो विकास हो। जात पात, ऊंच नीच, धर्म मजहब की दीवारों को न मानने वाले प्रोफेसर पुंडीर सबको एक समान नजर से देखते हैं। इसलिए जहां प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर ने नमला आडे में हरिजन चौपाल के साथ बहुत से गांवों में हरिजन चौपालों का निर्माण कराया, तो कई सौ सालों से उपेक्षित और खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए भी चित्तौड़ नगर और प्रताप नगर बसाने की योजना बनाई। दरअसल प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के मन में हमेशा यह बात रही कि उनका तो एक ही मकसद है, सरघना का सर्वांगीण विकास। हमारे पास हम जब से विधायक बने तो हमने ये नहीं देखा, न जात देखी, न पान देखा, न मजहब देखा, हमने सबके लिए काम करा। तो सीधे सीधे हमसे मिलते, हमारे पास जो भी आ जाता हम उसी काम के लिए तत्पर रहते थे करते और उनका समस्या का निदान हम करते। तो उसी से करके क्योंकि पहले विधायकों का मिलना मुश्किल रहता था और हमारे जहाँ भी जीव स्थिति में भी होते उनकी समस्या का निदान करने की भरसक पूरी कोशिश करते हैं और उसी से वो खुश होकर के आज हर वर्ग हमसे देगा। अनुसूचित जाति 70% मेरे साथ है, मेरे क्षेत्र में ये भी अपनी कोई ये कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, मैं उनके काम करता हूँ। चौदह हरिजन चौपाल मैंने बनवाई है, बन गई ज्यादातर, कुछ का मैं काम करा रहा हूँ। तो मेरा इरादा है कि बड़े बड़े काम मैंने गांव से गांव जोड़ने का काम का वादा किया था, मैं सब गांव से गांव से जोड़ूंगा, मैंने उसे पूरा करा। जहाँ जो मैंने कह दिया गया सड़क बनी वो बनी, जहाँ मैंने कह दिया कि पुल बनने बढ़ा, तो ये करके ध्यान सभी लोग उसमें खुश हुए। देखो बेलिया में आ जाते, बेलिया में सभी वर्ग हमारे साथ हैं, चाहे उसमें ना आपने सब हमारी सभा में देखा होगा कि इनमें सब लोग रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हम क्योंकि पूरा गांव पूरा चाहे कस्बा हो सभी लोग रहते हैं, तो हम सबके लिए काम करते हैं। अब समय आ गया है नए जनादेश का, ये वक्त है आत्ममंथन का, नए चिंतन का, लेकिन क्या सरघना की आस्था बदलेगी? निश्चित ही नहीं, क्योंकि विश्वास पक्का है और संबंध अटूट। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने 1996 में इतिहास बदला, तीसरी बार अपने क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मतदान करें और इस क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें ताकि अपना ये क्षेत्र जो भी विकास के तरफ बढ़ा है और इसको हम चमन बनाने का काम करेंगे। भगवान ने हमको मौका दिया, इस लायक बनाया कि हम क्षेत्र के लिए और भी कुछ करें, तो
हम अपने क्षेत्र को वास्तव में उत्तर प्रदेश में ही हिन्दुस्तान में सरना विधानसभा क्षेत्र विकास के नाम पर जैसे आज जाना जा रहा है वैसे जाना जाएगा। इस कमल को विधानसभा में पहुंचाइए, इसी कमल की सुगंध से होगा उत्तर प्रदेश का विकास। इसी कमल में है भविष्य के सपनों को साकार करने की शक्ति। इसी कमल में है शक्ति उत्तर प्रदेश के निर्माण की। इस कमल को मजबूत कीजिए, इस कमल को विधानसभा में पहुंचाइए। Thank you.